हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इट रियली मीन्स अ लॉट। आज हम लोग चटपटे भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाएंगे। ये एक वन पॉट डिश है, इसके लिए ना तो आपको अलग से आलू बॉईल करने हैं, फिर उसका मसाला अलग से रेडी करना है, उसे मिक्स करना है, ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। जितनी देर तो हमें ये सोचने में लगता है कि आज हम क्या बनाएं, उतने देर में तो ये सब्जी रेडी होके सर्व भी हो जाती है। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने चार आलू लिए हैं, जिसे छीलकर मैंने क्यूब साइज में कट कर लिया है। ये दो टमाटर हैं, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्ची है, जिसे मैंने बीच से स्लिट किया है, और एक चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक है। बस दोस्तों, हमें इतना ही सामान लगेगा और इसमें हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है, अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। इसे पीस लीजिए और इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लीजिए। कुकर में अब एक बड़ी चम्मच तेल ले लीजिए। तेल में एक चुटकी हींग डालिए, एक छोटी चम्मच इसमें जीरा डाल दीजिए, आधी छोटी चम्मच इसमें राई डाल दीजिए और 4 से 5 इसमें कड़ी पत्ता डाल दीजिए। अब इसमें स्लिट की हुई ग्रीन चिली डाल दीजिए और कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दीजिए। इसे मिक्स कर लीजिए। गैस फ्लेम को इस समय लो रखिएगा। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करिए। आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर डालिए, आधी छोटी चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालिए और 2.5 छोटी चम्मच इसमें धनिया का पाउडर डाल दीजिए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए और 1 मिनट के लिए धीमी आंच में इसे सौटे करें। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर डालिए और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब इसमें कटे हुए आलू डाल दीजिए। आलू को मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब कुकर में 1.5 कटोरी पानी डाल दीजिए और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। गैस फ्लेम को इस समय तेज कर दीजिए और कुकर को तेज आंच में 1 सीटी आने दीजिए और फिर धीमी आंच में 2 सीटियां। 1 सीटी तेज आंच में आने के बाद गैस फ्लेम को लो कर दीजिए और फिर लो फ्लेम में 2 सीटियां आने दीजिए। दूसरी सीटी लो फ्लेम में आने के बाद गैस स्टव को बंद कर दीजिए। जब कुकर का प्रेशर निकल जाए तो इसे खोलिए। गैस स्टव को इस समय लो फ्लेम पे कर दीजिए। आप करछी की हेल्प से आलूओं को हल्का सा मैश कर लीजिए। अब इसमें 1/2 छोटी कटोरी पानी डालिए और इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने दीजिए। 1 मिनट के बाद गैस स्टव को ऑफ कर दीजिए और इसमें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी अच्छे से क्रश करके सब्जी में मिलाइए और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें।
और लास्ट में सब्जी को हरी धनिये से गार्निश करें। हमारी बिना प्याज लहसुन वाली चटपटी आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म पूरी या फिर परांठे के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड्स देखिए, सिर्फ 5 मिनट में हमारे आलू की सब्जी रेडी हो गई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।